तो ये अपन ने चेहरे को वर्टिकल में काटा, फिर आईज के बीच की लाइन जो है थोड़ी सी टिल्टेड जाएगी ये, ठीक है, आईज की टिप और दोनों को, तो ये आई लेवल हुआ, ठीक है, कि अपनी आईज का जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा टिल्टेड है। फिर कलर पेंसिल से बना रहे, तो ये कलर पेंसिल से मार्क कर लूँ या फिर अपनी मैकेनिकल पेंसिल से कर सकते हो, एज यू विश। तो इसमें क्या है, नोज का लेवल, अब नोज का जो बेस है, ठीक है, इस लेवल पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोटी सी लाइन, पूरी खींचो। फिर चिन वाला एक एरिया आता है, तो ये चिन का एरिया हो गया, ठीक है, और फिर लिप्स का एरिया। तो लिप्स में पूरा एरिया नहीं देना, जो सेंटर का लिप वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पे, तो ये अपने डिविजन्स बन गए। ओके, तो अपन एक लाइन खींचेंगे अगर, और उस पर डिविजन्स बना देंगे इसी लेंथ पे, तो एक आइडिया आ जाएगा। और जैसे यहां से डिस्टेंस लो अगर तुम, सिर्फ तुम्हें इतना और इतने का डिस्टेंस लेना है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 5.5, और ये भी 5.5। ओके, तो अपना चेहरे की जो विथ है दैट इज 11 सेंटीमीटर। और एक फोरहेड पे कर दो अपना, फोरहेड इन द सेंस ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिविजन्स हो गए, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे क्रॉस नहीं होंगे, पैरेलल। ओके, अब जैसे थोड़ा प्रिंट आउट पे क्लियर नहीं है, तो जो आउटलाइन है इसको जैसे स्ट्रेट लाइन खींचो, जैसे जॉ लाइन जा रही है जो, उस पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो, और फिर जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये कर्व नहीं, यहाँ पे जो कर्व आ रहा है याद रखना, ये कर्व है, कर्व नहीं, ये जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट की जगह कर्व आएगा जब अपन ड्रॉ करेंगे। इनिशियली तो अपन उसे पॉइंट ही बनाएंगे, इसे भी लाइन खींची अपन ने, और फिर इस पे भी लाइन खींची, जितना ये कर्व दिख रहा है ना, ये अभी नहीं ड्रॉ करेंगे, ये जब अपन एक रफ शेप के बाद एक फेयर शेप पे जाएंगे तब ड्रॉ करते हैं। अभी रफ शेप के लिए अपन क्या करेंगे, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और एक और लाइन चाहिए होती है अपन को जो आईब्रोज के बेस पे आती है, आईब्रो का जो बेस है ये वाला, तो यहां से एक लाइन, ठीक है, तो अपन ने अपने रेफरेंस में ये लाइंस ड्रॉ कर ली। तो आईज वाला पोर्शन, नोज वाला पोर्शन, लिप्स वाला, एंड चिन, और ये बेसिक फेस शेप। तो ये चीजें अपन ने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है, यूजली ड्रॉ नहीं करते, ये तो प्रिंट आउट है अपने पास, अपन को प्रिंट आउट से अपने रेफरेंस को देख के बनाना है, मान लो फोन में है, तो ये चीजें दिमाग में बननी चाहिए, ठीक है। तो दिमाग में क्या कर सकते हो, जैसे फोन में एक जगह फिक्स कर ली अपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं, अगर एक मिनट इसको करूं मैं, ठीक है, जैसे ये इमेज ली मैंने, अब जैसे इतनी सी तो बनानी नहीं होती अपन को, थोड़ा जूम इन कर लो, जूम इन कर ली, तो अगर इसको रियल में बनाने जाओ तो एक फेस के A5 साइज के हिसाब से बन जाएगी, ठीक है, तो इसको रेफरेंस ले लो, ठीक है। तो इस दिमाग में क्या चलना चाहिए, इमेजिनेशन में बीच में से एक लाइन जा रही है, ठीक है, चिन चिन की एक लाइन खींचो, अब लिप्स की लाइन कितने ऊपर आएगी, तो जैसे रेफरेंस इसमें ले रहे हैं अपन, तो ये आएगी 2 सेंटीमीटर, नोज की लाइन आएगी 2.5, नोज की लेंथ है कितनी 2.7, आईज की जो लाइन आएगी वो आएगी 4.7। तो ये जो चीज है जो अभी अपन को फिजिकली प्रिंट आउट में दिख गया है, वो अगर स्क्रीन फोन से देख के बनाना हो या फिर कोई सामने लैपटॉप पे देख के बना, तो थोड़ा सा जूम कर लो, उससे क्या होता है मेजरमेंट मिल जाता है ना जब स्टार्टिंग में, अभी तो क्या है एकदम हाथ सेट नहीं है, जब हाथ सेट हो जाएगा तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक सर्कल बनाते हैं अपन, आईज नोज लिप्स ड्रॉ किया और फिर पूरा चेहरा बन जाता है, ठीक है। तो इतना ड्रॉ कर लो पहले अपने रेफरेंस पे, तो अपन अपना मेजरमेंट लो, कहीं पे भी लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया, तो एकदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करता, देखो हॉरिजॉन्टल नहीं है मेरी, मेरी थोड़ी नीचे जा रही है, लाइक इस तरीके से मैं ऑरेंज यूज कर रहा हूँ, ऑरेंज की जगह ऑल्टरनेटिव रहता है, या तो ब्राउन यूज कर लो या ऑरेंज यूज कर लो, क्योंकि वो स्किन के शेड ही आ जाते हैं, है ना, ठीक है। अब जैसे ये एंगल है, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा, लेट्स से कि कौन सा एंगल है, कहाँ पे जा रहा है, देख तो इस पे चला अपने प्रिंट आउट पे,
ठीक है, अब वही सेम चीज यहाँ पे कर लो, अगर इसे थोड़ा पास रखो तो दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा ठीक है, अभी पक्का नहीं पता कि एकदम करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, इस पे भी लाइन खींच दिया अपन ने अच्छे तरीके से, अभी यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है तो वो निकालो, 2.5 के आसपास होगा, 2.5 ही है, ठीक है, यहाँ पे, तो अब इस पे भी ऐसी पेंसिल चलाओ। एक चीज ध्यान रखना, ड्रॉ करने के बाद थोड़ी देर इस पर ऑब्जर्व करो कि हाँ उतना बोट शेप जो है रहा, ये बोट शेप ही हो जाता है, वो सही आ रहा है कि नहीं, हो सकता थोड़ा नैरो हो गया हो सकता है ज्यादा वाइड हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट, अभी बिगिनिंग में एक एंगल का आइडिया लगे, प्रोटेक्टर का यूज करना बिल्कुल कर, ठीक है, तो इसको इस तरीके से आना चाहिए, तो मैं एक लाइन खींच दूंगा, ओके, मैं बहुत ज्यादा डार्क नहीं खींच रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ इरेज करना हुआ जैसे आगे की लाइंस, तो मैं वो आसानी से करके उसे एडजस्ट कर सकूं, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं कि एकदम प्रेशर के साथ खींच रहे हैं, बहुत लाइटली, ठीक है, मुझे कैमरे पे नहीं विजिबल होगा इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। अब जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, वो इसके बीच में आएगी, कितना 1.25, हाँ सेंटर वाली लाइन आ रही है यहाँ से 1.25, ठीक है, तो लाइन जाएगी कहाँ से, इस तरीके से, ये लाइन भी जो बीच वाली है इसे भी लाइटली खींचना क्योंकि इसको तो बाद में अपन को इरेज करना, ठीक है, ये अपना कौन सा हुआ, ये जॉ लाइन और चिन वाला हिस्सा ड्रॉ हुआ है, ओके, एक चीज और ड्रॉ कर लो उसके बाद मैं टाइम दूंगा बनाने, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये अपने जो बाकी फेस का शेप है, इसमें गलती मैं बता रहा हूँ क्या होता है, अपना फेस थोड़ा टिल्टेड है, रिमेम्बर अपना फेस थोड़ा टिल्टेड है, सो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाएंगी ऊपर, सॉरी वर्टिकल नहीं जाएंगी, दे आर वाइड स्प्रेड, थोड़ा चेहरे का भी शेप देखो थोड़ा बाहर की तरफ है ये लाइंस, ठीक है, तो अब यहाँ से इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये वो निकालेंगे, दैट इज 4.5, और यहाँ पे भी इट शुड बी सेम, या 4.5, तो 4.5 पे मार्क करो लाइक दिस, ठीक है, सिर्फ मार्क करना, अभी ड्रॉ नहीं करना लाइंस, तो इस पे देखो पेंसिल इस तरीके से पकड़ो, एंगल ट्रेस करो, लाइक इस पे ड्रॉ किया वैसे ही हाथ लाए और लाइट लिए, ठीक है, मतलब ये आ रहा है तो यहां से कट होना चाहिए, अब सेम चीज यहां पे, मतलब यहां से कट हो रहा है, ये किस तरीके से जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये, इससे देखो थोड़ा सा एंगल बदल के, लाइक हॉरिजॉन्टल होता है ये, इससे थोड़ा एंगल बदल के लाइक यहां पे, ओके, तो इस तरीके से अपना ड्रॉ होता है ये, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, सिर्फ इतना ले जाना कितना डिस्टेंस होना चाहिए इसका, लाइक 6 सेंटीमीटर 8-7 सेंटीमीटर के आसपास, इससे ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, तो ये अपना चेहरे की जो आउटलाइन रहती है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है, तो इतना ड्रॉ कर लूं, तो अब अपन ने जो बाकी की लाइंस बनाई है मेजरमेंट उन्हें मार्क कर दें, तो लिप्स का सबसे पहले कितना आता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर मार्क किया, फिर नोज का आता है 4.4 सेंटीमीटर, आईज का आता है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4.4 और यहाँ 8, फिर आता है आईब्राउज वाला, तो आईब्राउज वाला आता है 8.9 सेंटीमीटर, और ये फोरहेड का आता है 14, तो 8.9 और ये आता है 14, ठीक है, तो अब ये सब क्या है, ये जो अपन ने माफ करें इनमें पैरेलल लाइन खींचो, किसके चिन के, लाइक ये है यहाँ से चिन के पैरेलल होना चाहिए, बहुत लाइटली, ऐसे बहुत डार्क नहीं करना, लाइटली की लाइटली करना, और ये फोरहेड पे आ गया,
ठीक है, अब फोरहेड से इतना हो गया अपना, तो बालों का जो शेप है बेसिक सा थोड़ा वो दे दे अपन। तो देखो ये पॉइंट है जैसे, ओके तो ये जो पॉइंट आ रहा है इस पे, इससे अपन मेजरमेंट लेंगे कि जो हेयर स्ट्रैंड जा रहा है वो कितने सेंटीमीटर राइट से जा रहा है। वैसे तो 2 सेंटीमीटर से जा रहा है, ठीक है, ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, एक अंदाजे से भी कर सकते हो, लेकिन अगर करना है तो उसके मेजरमेंट में बता रहा, ये आएगा 4, तो यहाँ 4 से थोड़ा सा नीचे, लाइक यहाँ से बाल जा रहे, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस देख लो कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, ताकि ये कर्व जो आ रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस देखेंगे अगर यहाँ से, तो ये आ रहा है कितना 5.3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे ये जो डिस्टेंस है जो ये कट कर रही है लाइंस, ये आ रहा है 5.3, ठीक है, यही वाला, और इसमें कहाँ पे 5 पे, हाँ ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है, हेयर जो स्ट्रैंड है मतलब हल्का हल्का ऐसे कर्व करते करते बनाओ, एक बार में पूरा नहीं बनाना है, हल्का सा कर्व करते हुए बनाना है। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर उठाया, यहाँ से कर्व हुआ, और देखो पूरा टच नहीं करना है, ये जो लाइन है ना आईब्रोज वाली, इसके ऊपर तक आ रहा है इधर से ऐसे। और एक चीज ध्यान रखना, पूरा एक बार में कर्व नहीं बनाना, इस तरीके से जो धीरे धीरे अपन बिखरे हुए से कर्व बनाते ना, वो बनाने अपन को, ऐसे ऊपर की तरफ गया, तो यहां से जो कर्व आ रहा है जैसे फोरहेड का जो शेप है वो थोड़ा नीचे की तरफ गया, यहां से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये जो मांग वाला हिस्सा जा रहा है यहां तक आ रहा है अपना, तो यहां से एक जे शेप देखो, ये इस तरीके से हल्का सा ये ड्रॉ किया लाइटली, और ये चेहरे का जो शेप है इनसाइड वो तैयार हो गया। बालों का करना है तो जैसे ये जा रहा है ना हल्का सा, इस तरीके से थोड़ा और ऊपर गए, थोड़ा रैंडमली बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक धीरे धीरे इस तरीके के स्ट्रोक बना रहे, ये बेकार लगते हैं, इसकी जगह से धीरे धीरे कर्व कर्व बनाओ, जैसे दिख रहे ना अपन को, राइट साइड पे गए तो राइट साइड पे धीरे धीरे यहां से कर्व स्ट्रोक्स निकलना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से बालों का कुछ भी डिजाइन बना दो, जो है वही बनाना है, ठीक है, जैसे यहां से ऊपर की तरफ जाते, लेकिन शेप होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम डिट्टो शेप कॉपी कर रहे हो, कि एक एक लाइन ऐसे धीरे धीरे बना रहे हो, नहीं, कर्व होने चाहिए से बिखरे हुए से, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया, थोड़ा ईयर्स वाला पोर्शन कहाँ पे आता है, ईयर्स का अगर डिस्टेंस लेना हो, ये 1.5 या 1.2 सेंटीमीटर आएगा, 1.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1.2, ठीक है, ड्रॉ नहीं करना अभी, ये सिर्फ ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। और राइट साइड वाला अपना ईयर कितना जा रहा है, ये जा रहा है 1.5 मार्क किया, ये भी डायगनल में है, ये वर्टिकल नहीं करना, ये भी डायगनल में है, ठीक है। और फिर ये बाल इस तरीके से कर्व होते हुए जा रहे हैं, यहां से कर्व होते हुए बन रहे हैं, थोड़े से कान की तरफ हो गए कर्व, और बस इतना काफी है, यहाँ पे भी कान के थोड़े बार बार बाहर बाहर हल्के हल्के कर्व हो रहे, कान यहां तक आएंगे तो बाल थोड़े थोड़े से नीचे बिखरे हुए से, सेम चीज यहाँ पे थोड़े थोड़े से बिखरे हुए से नीचे, और ये अपना जो शेप है बालों का वो तैयार हो जाता है, चेहरे का भी, ठीक है। तो इतना ड्रॉ कर लो पहले,